भैया बहनी राम राम। मेरा नाम बुनेला देवी, विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने भैंस के दूध निकाल कर एक अच्छी रेसिपी बना के बताऊंगी। बनाऊंगी हम लौकी खोवा की बर्फी। और तब तक हम अपने बच्चा को रोटी खिला देती हूँ। और रोटी के साथ हमने थोड़ा सा भूसा ना है, क्योंकि हमारी बच्चा अभी चारा खाने नहीं सीखा है, तो इसे रोटी में चारा लग जाता है, तो ही सहारे रोटी के सहारे कुछ चारा खा लेती है। चलूंगी दोस्तों, आज अपने भैंस का दूध निकालूंगी। पहले हम बच्चा छोड़ देती हूँ दूध पीने के लिए। तो दूध हमारा भैंस हमारी ओगर गई है, बच्चा को दूसरे कुत्ता बांध लेते हैं। दूध पी लेता है तो हल्दी पकड़ाता नहीं है। पहले हम फन के धो के साफ करूंगी। तो यही तरीके से हम सारा दूध निकाल लेंगे। तो हमने दूध भैंस का सारा निकाल लिया है, तो बच्चा छोड़ेंगे दोबारा पीने के लिए। तो दोस्तों, हम भैंस का एक छीमे का दूध छोड़ देते हैं अपने बच्चा के लिए, और भैंस के अपने हम हाथ से ऐसे सहलाते रहते तो हमारी भैंस को अच्छा लगता है। गैस हमने जला लिया है, रखूंगी गैस पे कढ़ाई। आज एक बढ़िया रेसिपी बना के बताऊंगी। पहले हम खोआ बना लेती हूँ। तेज आंच में इसको हम चलाते हुए खोआ बनाऊंगी। दूध हमारा उबल रहा है, इसी तरीके से हम खोआ बना लेंगे। चलाते हुए पकाऊंगी। तो दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, तो 2 मिनट तक इसको और पकाऊंगी। तो खोआ हमारा बन के तैयार है, बस इसको 2 मिनट तक और पकाऊंगी। गैस के हम बंद कर देती हूँ। खोआ हमारा बन के तैयार हो गया है। तब से पहले हम लौकी के छोल कर कद्दूकस कर लेती हूँ। पहले इसको काटूंगी। छोटे छोटे टुकड़े में करके तो इसका छिलका हमने उतार लेती हूँ। जो इसका बीज है वो भी बाहर निकाल देंगे। हमने लौका का छिलका उतार लिया है, जो इसका बीज है वो हम छुरी के सहारे निकाल देती हूँ। इस तरीके से हमने सारा बीज निकाल लेंगे। तो पहले हम कद्दूकस कर लेती हूँ। इसको हम ऐसे दबाते हुए गाल लेंगे, इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो दोस्तों, हम बनाएंगे लौकी का मिठाई। तो जो सामग्री में लिया है तो हम दिखा देती हूँ। हमने 1 कटोरी चीनी लिया है, हमने लौकी कद्दूकस करके ले लिया है, हमने खोआ जलाया है, हमने काजू लिया है और लाची दाना है। गैस हमने जला लिया है, रखूंगी कढ़ाई। कढ़ाई में पहले हम देसी घी डाल देती हूँ। तो देसी घी में इसको हम पहले भूनूंगी। लौकी हमने भून लिया है, इसमें डालूंगी खोआ। खोआ अच्छी तरह से इसको लौकी में मिला लेती हूँ। उसके बाद डालूंगी चीनी। चीनी को हमने डाल दिया है, इसको चलाऊंगी। चीनी को हम लौकी और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। चलाते हुए धीमी आंच में इसको पकाऊंगी। तो हमारी गाढ़ा हो गया है, तो 2-3 मिनट तक उसका और चलाते हुए पकाऊंगी। इसमें हम डालती हूँ लाची पाउडर। लाची पाउडर डालने से इसका स्वाद, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। तो हम चलाते हुए मिलाऊंगी। इसमें देसी घी लगा लेंगे। तो गैस के हम बंद करेंगे। हमारी मिठाई बनके तैयार है, इसको जमाऊंगी हमने थाली में। थाली में हमने घी लगा लिया है।
तो इसको हम हिला के बराबर कर देती हूँ। इसको हाथ से दबाना नहीं है, अपने आप गीला है, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम रखूँगी आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए। वो धीरे धीरे टाइट हो रहा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए हमारी लौकी के बर्फी और जम रही है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो रही है। अब हम चाकू के सहारे बर्फी के काटूंगे। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना हमारी लौकी की बर्फी कैसी लगी। दोस्तों आप बड़ा छोटा काट सकते हैं, तो हम ये तरीके से काट रहे हैं। तो हमने इसे काजू से सजा देती हूँ बर्फी को। तो दोस्तों हमारी बर्फी लौकी का बनके तैयार है। आप देख लीजिए कितना अच्छा बना हुआ है। तो एक प्लेट में हम निकाल के दिखा देती हूँ। देखा दोस्तों कितना लाजवाब हमारी मिठाई बनके तैयार है। रखती हूँ हम प्लेट में। तो दोस्तों हमने आप देख लीजिए कि कितना अच्छा हमने लौकी का बर्फी बनाया है। तो आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। आप अपने रिश्तेदार के साथ, फैमिली बच्चों के साथ खा सकते हैं। रिश्तेदार आने पे भी खिला सकते हैं। हमारी लौकी की बर्फी बनके तैयार है। दोस्तों हमारे घर के बगल में सड़क है, तो बच्चे स्कूल से छूटा है, जा रहे हैं अपने घर, तो उनको हम बर्फियाँ खिला देती हूँ। रुका बेटा, देखा कैसन बनाई है। बढ़िया बनाई है। देखा दोस्तों, दीदी ने कहा कि बहुत अच्छी बर्फी बनी है। दोस्तों अपने भैंस का हमने दूध निकाल कर और अच्छी अच्छी हमने रेसिपी भी बनाती हूँ, मिठाई भी बनाती हूँ। तो आज हमने बनाया है दूध का लौकी का बर्फी। और दोस्तों देख लीजिए कितना अच्छा हमारा बर्फी बना है। तो हमारी बर्फी कैसी लगी दोस्तों कमेंट जरूर करना। हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप सब खुश रहिए दोस्तों और सेहतमंद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।